सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉपरेटर इंजीनियर पंकज पास सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सिविल गुरुजी प्लेटफॉर्म पे। आज देखिए यहाँ शाम का सुनहरा मौसम है, अपने इंजीनियर के साथ यहाँ पे देखिए हम साइड विजिट पे आए हुए। देखिए यहाँ पे पूरा सुनहरा मौसम है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सॉन्ग आसपास ही बज रहा है। यहाँ पे अपने इंजीनियर के साथ साइड में आए हुए, यहाँ पे साइड भी जानेंगे, साइड भी करके इंजीनियर को यहाँ पे कैसा फील हुआ, क्या यहाँ पे सीखे, आज इंजीनियर से ही बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट। कॉलम है ये, नहीं हमारा क्या कॉलम का सपोर्ट हो गया ये। अभी हमारा ये क्या है, बीम है ये। तो बीम में हमारा क्या होगा, जो हमारा सरिया है एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट तक हमारा जो सरिया आता है उसको क्या बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं। और जो सरिया हमारा एक सपोर्ट से स्टार्ट होके कुछ डिस्टेंस हमारा छूट जाएगा उसको क्या बोलते हैं, टॉप एक्स्ट्रा बोलते हैं। टॉप में तो उसको टॉप एक्स्ट्रा बोलेंगे, बॉटम में तो उसको क्या बोलेंगे, बॉटम एक्स्ट्रा बोलेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे टॉप एक्स्ट्रा में देने का जरूरत क्यों पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, जैसे कोई रिफिल आइएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे रिफिल है यहाँ पे पकड़िए इसको, पकड़िएगा दोनों साइड से पकड़िए इसको। जैसे हमारा ये बीम है, बीम के ऊपर से लोड आएगा, तो लोड आएगा तो यहाँ से उखड़ने का कहाँ से कोशिश कर रहा है, जॉइंट के पास उखड़ने की कोशिश कर रहा है ये। तो जॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा हम इसको क्या करेंगे, सपोर्ट देंगे। तो इसके लिए हम क्या देते हैं, यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा ये सरिया है, सरिया हमारा यहाँ से हुआ, इसको देखिए यहाँ से इसको जो है यहाँ से निकला ये, और निकल के जाके देखिए थोड़े डिस्टेंस पे क्या हो गया, ये यहाँ पे आके छूट गया ये, यानी कि हाफ डिस्टेंस यानी कि L/4 डिस्टेंस इसका यहाँ पे क्या हो गया, छूट गया इसको। तो ये हमारा क्या हो गया, ये टॉप एक्स्ट्रा हो गया ये। अब देखिए जैसे हमारा देखिए कॉलम का हमारा क्या है, कॉलम का यहाँ पे आउटर फेस ये है, जैसे देखिए कॉलम का हमारा यहाँ तक आउटर फेस है ये। आउटर फेस से हमारा जो भी सरिया जो अंदर गया हुआ है यानी बेंड के साथ ये जो हमारा ये सरिया अंदर गया हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट लेन LD। इसको क्या लेते हैं, LD हमारा हो गया। LD हम कितना देते हैं, ये 50D लेते हैं। ये जहाँ पे हमारे कॉलम का जंक्शन वहाँ पे क्या लेंगे, LD हम कितना लेंगे, 50D लेंगे। ये डेवलपमेंट लेंस क्यों देते हैं आप लोग बताइए, डेवलपमेंट लेंस हमें यहाँ पे क्यों देते हैं ये, स्लैब पे जो लोड आएगा, स्लैब का लोड हमारा कहाँ पे होगा, ये बीम कैरी करेगा। और बीम कैरी किया तो बीम का लोड कहाँ ट्रांसफर होगा, ये कॉलम में ट्रांसफर होगा। कॉलम से हमारा क्या जाएगा, फुटिंग में जाएगा, फुटिंग से हमारा क्या होगा, स्लैब में जाएगा। ऐसा हमारा क्या होता है, बिल्डिंग में हमारा क्या होता है, लोड ट्रांसफर हो जाता है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे ये बीच वाला जंक्शन यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे देखिए बीच वाला जंक्शन है, यहाँ पे देखिए बीच में जो जंक्शन दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऊपर जो हमारा ही जा रहा है ये मेन वाल हो गया ये जी सर। और ये नीचे हमारे क्या है, ये टॉप एक्स्ट्रा। टॉप एक्स्ट्रा जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है, दो मेन वाल हमारा है, ये दो मेन वाल है। और टॉप एक्स्ट्रा कितना है, एक दो तीन चार, यानी कि चार हमारे पे क्या है, टॉप एक्स्ट्रा है। अब कॉलम के यहाँ पे पोजीशनिंग की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेनफोर्समेंट का पोजीशनिंग की बात करते हैं, तो रेनफोर्समेंट का पोजीशनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या, दो हमारा क्या हो गया, मेन बार हो गया ये, और चार हमारा क्या हो गया, एक्स्ट्रा बार हो गया। दो हमारा क्या है, एक एंड से दूसरे एंड जा रहा है, एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट तक जा रहा है, वो हमारा क्या हो गया, मेन बार। मेन बार हमारा कितना है, दो। और यहाँ पे देखिए टॉप एक्स्ट्रा कितना है, चार। अब यहाँ पे पोजीशनिंग की बात करते हैं, क्या इसका बार का पोजीशन कैसा है, तो यहाँ पे देखिए तीन बार हमारा ऊपर है, तीन बार हमारा नीचे है। तो ड्राइंग में कैसे लिखा रहे हो, यहाँ पे 3+3 लिखा रहेगा, यानी कि तीन बार हमारा ऊपर, तीन बार जस्ट इससे क्या होगा, नीचे होगा। अब देखिए इसका जस्ट नीचे ये बार है, तो ये जब भी हम वाइब्रेटर चलाएं कंक्रीटिंग के टाइम, तो क्या हो सकता है, इसके दोनों के बीच का स्पेसिंग क्या हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, स्पेसिंग कम हो सकता है। तो स्पेसिंग को मेंटेन रखने के लिए हम यहाँ पे क्या देते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या, ये स्पेसर बार, इसको बोलते हैं स्पेसर बार, ताकि हमारा देखिए जो टॉप सरिया है और ये बॉटम सरिया है दोनों का स्पेसिंग क्या हो सके, ये मेंटेन हो सके। इसके लिए क्या देते हैं, हम स्पेसर बार देते हैं। स्पेसर बार हमारा जो मिनिमम होना चाहिए, स्पेसर बार हमारा कितना होना चाहिए, 25 mm का होना चाहिए। 25 mm का मिनिमम क्यों देते हैं, क्योंकि हमारे जो RCC में जो हम कंक्रीट जो यूज करते हैं उसमें एग्रीगेट का साइज कितना होता है, 20 में जो एग्रीगेट का साइज होता है, तो एग्रीगेट का साइज 20 होता है, उससे हमें थोड़ा स्पेसिंग बड़ा होना चाहिए। स्पेसिंग बड़ा होगा तभी तो क्या होगा, इसके बीच में हमारा क्या होगा, ये एग्रीगेट हमारा क्या हो सकता है, मजबूत हमारा स्पेसर बार का यही काम है, जो हमारा टॉप बार है या बॉटम बार है, यहाँ पे जो पोजीशन दे रहे हैं टॉप और जस्ट नीचे दे रहे हैं बॉटम, ये इस दोनों का स्पेसिंग क्या हो सके, ये मेंटेन कर सके। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये बॉटम में, बॉटम में देखिए बॉटम में जो सरिया यहाँ पे है, जैसे देखिए बॉटम में सरिया है, तो बॉटम भी सरिया प्रोवाइड कर रहे हैं। बॉटम में हमारा बीम में क्या होगा, बॉटम में टेंशन जोन होता है, तो उसके लिए हम सरिया प्रोवाइड करेंगे। तो बॉटम में हमारा सरिया, अगर बॉटम में ज़्यादा अगर लोड आ रहा है तो उसमें भी क्या देते हैं, बॉटम एक्स्ट्रा बार देते हैं।
अब देखिए इसमें हमें क्या, हमें एक चीज हमें चेक करना है, जब भी हमारे बीम का सरिया या बना हुआ है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कवर इसमें प्रोवाइड किया हुआ है या नहीं, क्योंकि बिना कवर का हम कभी भी कंक्रीट नहीं कास्ट करवाते। जैसे अगर हम कवर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, सरिया हमारा क्या होगा, एटमोस्फेयर कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, वो बाहर रहेगा, वो एटमोस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आएगा, मतलब क्या हो जाएगा उसमें ये रस्टिंग लग जाएगा, जंग लग जाएगा, तो फिर क्या होगा ये कॉन्क्रीट के साथ क्या करेगा, वो बॉन्डिंग क्या हो जाएगा उससे कमजोर हो जाएगा, छोड़ देगा बॉन्डिंग वो, इसलिए हम क्या करते हैं कवर प्रोवाइड करते हैं। अगर बीम के केस में बात करें तो बीम के केस में जो कवर प्रोवाइड करेंगे मिनिमम कितना करेंगे 25 mm क्या करते हैं बीम में कवर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ, कवर प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे कि एक कवर यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, थोड़े डिस्टेंस पे देखिए थोड़े डिस्टेंस पे हमारा कवर प्रोवाइड उधर प्रोवाइड किया हुआ है। तो जब भी अगर आप साइट पे अगर शटरिंग चेक कर रहे हैं या रेनफोर्समेंट चेक करने गए हैं, चाहे आप जैसे साइट इंजीनियर पे जाके चेक कर रहे हैं, तो साइट इंजीनियर सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो आपके ड्राइंग में जो आपका जो भी बार दिया हुआ है वो बार प्रोवाइड किया हुआ है या नहीं, जो जो टॉप एक्स्ट्रा दिया हुआ है जहाँ टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया हुआ है नहीं, कवर आपका प्रोवाइड किया हुआ है नहीं, ये सारा चीज़ आपको चेक करना है। और स्पेशल बार जो है, जो स्पेशल बार प्रोवाइड किया हुआ है कि नहीं, तो जो 3+3 यहाँ पर पोजीशन जो दिया हुआ है, इस दोनों का जो स्पेसिंग जो मेंटेन करना है, स्पेसिंग मेंटेन के लिए स्पेशल बार दिया हुआ है कि नहीं, ये सारा कुछ आपको क्या करना है साइड पे चेक करना है। अब ये देखते हैं यहाँ पे, अब एक चीज़ और चेक करना है यहाँ पे साइड पे आपको कि जो लैपिंग जो है, जो बीम में अगर लैपिंग जोन की बात करें तो जो हमारा लैप जोन है वहाँ पे हमारा लैपिंग तो नहीं दिया हुआ है, उससे हमारा अलग जो लैप जहाँ देना चाहिए वहीं पे लैपिंग दिया हुआ है नहीं, एज ए साइंट इंजीनियर आपको ये भी चेक करना है। तो अगर बीम की बात करें तो बीम में हम लैपिंग कहाँ पे देते हैं, बीम में हमारा दो जोन होता है, एक टॉप एक बॉटम। टॉप हमारा क्या होता है कंप्रेशन जोन, और बॉटम हमारा क्या होता है टेंशन जोन। तो टॉप जोन में हम कहाँ पे देते हैं, यहाँ से क्या करेंगे L/4 छोड़ के, उधर जंक्शन से क्या करेंगे L/4 छोड़ के, यानी कि बीच पोर्शन में देंगे जंग, जब भी हम लेफ्ट देंगे टॉप में। अब बॉटम में कहाँ देते हैं, जंक्शन से क्या देते हैं 2D छोड़ के, 2D यहाँ से छोड़ के उस जंक्शन से क्या करेंगे 2D छोड़ के, यानी जब भी हम देखेंगे जो लेफ्ट दिए हुए हैं साइड पे हमारा लेफ्ट जहाँ पे देना चाहिए वहीं पे लेफ्ट दिया हुआ है नहीं, यानी ये सारा चीज़ अगर हम बीम चेक करने जा रहे हैं, जो भी रेनफोर्समेंट चेक करने जा रहे हैं, तो सारा चीज़ हम क्या करेंगे ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। अगर इसी तरह आप भी अपना नॉलेज की इंक्रीज करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करिए सिविल सर्विस प्लेटफॉर्म को और कॉल करिए 9111001234 पर। जैसे कि हमारे इंजीनियर बैठाएं बोले कि घर नहीं बैठना है, कॉल लगाना है, कॉल लगा के ट्रेनिंग ज्वाइन करना है, और अपने जो भी आप सपना देखे उसको नई ऊंचाइयों तक पहुंचना है, और जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका फैमिली का ड्रीम है उसको अचीव करना है। तो मिलते हैं इसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।